मेरा नाम संतोष धर्मा अंबेडकर है। मैं अलीबाग नगर परिषद स्कूल नंबर 1 में 7वीं कक्षा को विज्ञान पढ़ाता हूँ। अभी हम एक विज्ञान का पाठ देखने वाले हैं। विषय सामान्य विज्ञान, पाठ है सजीव सृष्टि और उनका घटक है अनुकूलन और वर्गीकरण। अनुकूलन और वर्गीकरण में से सबसे पहले हम ये जान लेंगे अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब क्या होता है। अनुकूलन, उसे अंग्रेजी में एडेप्टेशन कहा जाता है। अनुकूलन मतलब अंग्रेजी में उसे कहा जाता है एडेप्टेशन। अनुकूलन मतलब पर्यावरण में जीने के लिए जो क्षमता आवश्यक होती है, उस क्षमता जिसमें जिसमें होती है वही उस पर्यावरण में जी पाते हैं, और वो जीव पानी की जीने की जो क्षमता होती है उसे अनुकूलन कहा जाता है। जलीय वनस्पति अनुकूलन मतलब जल में जीने के लिए जो अनुकूलता होनी चाहिए वो जिस वनस्पतियों में होती है उसे जलीय वनस्पति अनुकूलन कहा जाता है। उसे एनर्जी में एडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स ऐसा कहा जाता है। जल में जीने के लिए पात्रता जिन वनस्पतियों की होती है, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कमल। ये कमल पानी में ही रहता है, 24 घंटे पानी में ही रहता है फिर भी खराब नहीं होता। उसके पत्ते पानी में ही तैरते हैं फिर भी खराब नहीं होते, क्योंकि पानी में जीने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता उसमें होती है। इसीलिए जलीय वनस्पति अनुकूलन, उसे एडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट कहा जाता है। पानी में जीने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए वो उसमें होती है, उसीलिए वो पानी में टिक पाते हैं। रेगिस्तान वनस्पति अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। रेगिस्तान में जीने के लिए जो क्षमता आवश्यक होती है वो क्षमता जिन जिन वनस्पतियों में होती है उसे रेगिस्तान वनस्पति अनुकूलन कहा जाता है। मतलब वहां के जो पौधे हैं हरे हरे होते हैं, रेगिस्तान में पानी कम होता है लेकिन फिर भी उस खुद में पानी समेटने की क्षमता उस पौधों में ज्यादा होती है। हिम प्रदेश वनस्पति अनुकूलन मतलब बर्फ में ठंडक में रहने की जिन वनस्पतियों की क्षमता होती है उसे हिम प्रदेश वनस्पति अनुकूलन कहा जाता है। उसे एनर्जी में एडेप्टेशन इन स्नोवी रीजन प्लांट ऐसा कहा जाता है। वहां के पेड़ जो होते हैं उसका आकार सुई जैसा होता है, मतलब ऊपर कम और जैसे जैसे पेड़ नीचे नीचे आता है वैसे उसका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर बर्फ गिरने से वो उधर थमा ना पाए, वो नीचे आना चाहिए तभी तो पेड़ जी सकता है। और वो बर्फ नीचे आने की क्षमता और उधर जीने की क्षमता उस पेड़ में होती है, इसीलिए हिम प्रदेश वनस्पति अनुकूलन कहा जाता है। जंगल प्रदेश वनस्पति अनुकूलन मतलब जंगल में जीने के लिए जो अनुकूलता होती है वो जिस वनस्पतियों में होती है उसे जंगल प्रदेश वनस्पति अनुकूलन कहा जाता है। उसे अंग्रेजी में एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट कहते हैं। मतलब पेड़ होते हैं जंगल में, होने वाले पेड़ बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जंगल होने के कारण बहुत बहुत नजदीक पेड़ होते हैं और वो पेड़ हर पेड़ सूरज की किरण पाने के लिए ऊपर 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 बढ़ता जाता है, इसीलिए जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और वो जंगल में रहने की क्षमता जिस वनस्पतियों में होती है उसे जंगल प्रदेश वनस्पति अनुकूलन कहा जाता है। घास प्रदेश वनस्पति अनुकूलन मतलब जहां ज्यादा घास होती है, घास होती है और ज्यादा घास होने के कारण हर घास ऊपर ऊपर जाती है क्योंकि सूरज की किरण पाने के लिए, और उस वातावरण में जीने की क्षमता जिस घास में जिस वनस्पति में होती है उसे घास प्रदेश वनस्पति अनुकूलन कहा जाता है। उसे अंग्रेजी में कहा जाता है एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। वो क्षमता वहां की हरियाली घास वो बड़े बड़े बहुत बहुत बड़े होते हैं। हमने देखे हैं वनस्पतियों की अनुकूलता, अभी हम देखेंगे प्राणियों की अनुकूलता। प्राणियों की अनुकूलता देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे पानी।
वाटर, पानी में रहने की क्षमता जिस प्राणियों में होती है उसे पानी में रहने वाले प्राणी कहा जाता है। मतलब मछली है, मेंढक है, कछुए है, वो पानी में ही रहते हैं फिर भी खराब नहीं होते, क्योंकि पानी में रहने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता उनमें होती है, इसलिए वो पानी में जी पाते हैं। जंगल एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल, जंगल में रहने की क्षमता जिन प्राणियों में होती है वही जंगल में जी पाते हैं। मतलब जंगली कुत्ता, शेर, वो जंगल में रहने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए वो उनमें होती है, उसीलिए वो जंगल में जी पाते हैं। रेगिस्तान एडेप्टेशन इन डिजर्ट एनिमल, रेगिस्तान में रहने के लिए क्षमता जिन प्राणियों में होती है वही रेगिस्तान में जी पाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे ऊंट, चूहा, सांप, उनमें ये क्षमता होती है रेगिस्तान में जीने के लिए, जीने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए वो उनमें क्षमता होती है। हिम प्रदेश मतलब एडेप्टेशन इन स्नोवी रीजन एनिमल्स, हिम प्रदेश में रहने के लिए क्षमता जो होनी चाहिए वो क्षमता जिस प्राणियों में होती है वही उस हिम प्रदेश में जी पाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे भालू, बकरी, कुत्ता, वो उस वातावरण में जी पाते हैं। हवा एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल, हवा, हवा में उड़ने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता जिसमें होती है वही हवा में उड़ पाते हैं। मतलब पंछी, उनकी शरीर की रचना जो होती है वो हवा में उड़ने के लिए महत्वपूर्ण योग्य होती है, वही उस हवा में उड़ पाते हैं, जो क्षमता होनी चाहिए उड़ने के लिए वो क्षमता उनमें होती है। जमीन, जमीन पर चलने वाले मतलब एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स, जमीन पर चलने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता जिन प्राणियों में होती है वही उस वातावरण में जी पाते हैं। हमने देखे हैं वनस्पतियों की अनुकूलता और प्राणियों की अनुकूलता, इसमें कंक्लूजन यही निकलता है कि वातावरण में, पर्यावरण में जीने के लिए जो जो क्षमता आवश्यक होती है वो क्षमता जिन जिन में होती है, जिन वनस्पतियों में, जिन प्राणियों में होती है वही उस वातावरण में टिक पाते हैं, जी पाते हैं। मतलब जो क्षमता होनी चाहिए वो जिसमें होती है वही उस वातावरण में जीते हैं। धन्यवाद।